तो ये बात हुई कि संजय दत्त आ गए, बोलने लगे उनसे लोग, ठीक है। तो क्या वो संजय दत्त था? अरे था। बताओ, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। नो सर, नहीं था, लेकिन हमने फेंटेड। उसे क्या कहना शुरू कर दिया? संजय दत्त। तुम भी कभी कभी या तो खुशी में या जेलस होके किसी का नाम रख देते होगे, तो तब से उसका असली नाम तो गुम हो जाता है और वो उसमें परिवर्तित हो जाता है। जैसे सबसे बढ़िया मेटाफर, बच्चे शुरू से ही क्रिएटिव होते हैं, कसम से। इतना क्रिएशन कहाँ से आता है? जब हम स्कूल में थे तो हर टीचर के कुछ मेटाफर क्रिएट किए गए थे। तुमने भी किए थे क्या? अच्छा ठीक है, तो वो सिर्फ मेटाफर्स थे, टीचर का नाम तो कुछ और ही था, ठीक है। तो अब वो टीचर को कुछ बोल दिया गया और फिर वो टीचर का असली नाम तो गुम हो गया और उसी पे बोलते रहते थे, और वो इतना इंटरेस्टिंग होता था, बड़ा पोएटिक होता था, और जब उस नाम को लेते थे सबके मन में जो है उत्साह हो जाता था और हंसी आती थी। और ये भी डर लगता था कि चुपचाप बोलो भैया, कोई सुन न ले, टीचर वगैरह, ठीक है। तो ये सब मेटाफर हैं जिसमें एक पर्सनैलिटी या एक शख्सियत या एक चीज को दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, ठीक है। अगर तुम कहोगे यू आर लाइक ए मून, तो है सिमली, लेकिन अगर तुम ये कह दोगे यू आर द मून ऑफ माई लाइफ, तब क्या है? मेटाफर। अंडरस्टैंड? दोनों में अंतर समझ गए? देखो एक में तो वो कह रहा है यू आर लाइक ए मून, तुम चांद जैसे हो, ठीक है। एक में कह दे रहा तुम चांद ही हो। तो दोनों में ये फर्क है, मेटाफर और सिमली में। और इसीलिए जो है मेटाफर को तब जाके लोग ऐसा कह देते हैं, तब इससे बच्चों में कंफ्यूजन होता है। कई बार मेटाफर को ये वर्ड देते हैं क्रिटिक कि इट इज एन इम्प्लाइड कंपैरिजन। इम्प्लाइड कंपैरिजन मतलब इसमें जो हम देखते हैं वो किसी और को इम्प्लाई करता है, उसको उसकी ओर इशारा करता है। तो अगर कभी मेटाफर के लिए ये आ गया कि व्हाट इज नोन एज इम्प्लाइड कंपैरिजन आल्सो, और चार चीजें दी गई हूं, तो आप कंपैरिजन समझ के कहीं सिमली मत लगा देना। तो अगर इम्प्लाइड कंपैरिजन होगा तो मेटाफर होगा, और डायरेक्ट कंपैरिजन होगा तो क्या होगा? सिमली। बोलो, क्लियर है? यस सर। तो इसलिए एक बहुत जबरदस्त कविता का एग्जाम्पल देता हूं तुम्हें, क्योंकि वो एग्जाम्पल मतलब यहाँ पर कविता पंत ओनियाल का एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं पोयम का, ठीक है। एक बहुत जबरदस्त पोयम का एग्जाम्पल है, वो ये है। अगर मैं उस लाइन को बोल दूं तो वो लाइन आपके लिए खुद में क्वेश्चन भी बन जाएगा और एग्जाम्पल भी बन जाएगा, जो कई बार पूछा गया है, ठीक है। वो लाइन क्या है बता दूं आपको? वो लाइन है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, ओ माई लव इज, सुना है? ओ माई लव इज लाइक ए यस रेड, लाइक ए रेड रेड रोज। ये तो है आपका क्या? सिमली। क्योंकि इसमें लाइक आया, और ये मैं इसलिए लेके आया हूं क्योंकि एक फेमस पोइट का है, रॉबर्ट बर्न्स। तो रॉबर्ट बर्न्स की ये लाइन है, इसलिए पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको सिंबली का एग्जाम्पल बना दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह दूं इसी को बदल के, ओ माई लव इज अ रोज ऑफ माई हार्ट, तो यहां पर जो है ये मेटाफर है, यहां पर डायरेक्ट रोज बना दिया उसे, ठीक है। माई हार्ट, माई लाइफ, कुछ भी कर दें तो ये मेटाफर है। लेकिन अगर हम मेटाफर को इतना ही समझें तो फिर ये मेटाफर की अधूरी नॉलेज होगी, क्योंकि मेटाफर सबसे लंबा चौड़ा डिस्कशन का पॉइंट है। तो मेटाफर यही नहीं है, मेटाफर में कई बार क्वेश्चन आते हैं, और वो क्वेश्चन होते हैं कि व्हाट इज नोन एज टेनोर, व्हाट इज नोन एज व्हीकल,
अब ये क्या है भाई, क्या बोला है मेटाफर में? तो मेटाफर में दो नई चीजें लेके आ रहा हूं, एक है व्हीकल और एक है टेनोर। तो व्हाट इज मेटाफर के को बाइफर्केट करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, इसमें दो चीजें समझनी होंगी, वन इज कॉल्ड टेनोर एंड वन इज कॉल्ड व्हीकल। अब जरा देखें क्या है। देखो सबसे पहले इसमें एक और क्वेश्चन बता देता हूं कि बोथ टर्म्स जो मेटाफर के लिए दिए हैं वो दिए हैं जो न्यू क्रिटिसिज्म के महान प्रणेता थे जिनका नाम आई ए रिचर्ड्स है उन्होंने, ठीक है। तो बोथ वर इंट्रोड्यूस्ड बाय आई ए रिचर्ड्स, ठीक है। अब बात करते हैं, अब देखो इसमें क्या है कि अगर मैं कहूंगा कि बर्न की लाइफ को, बर्न की लाइन ले लो और इसमें एक जगह लव आया, ओ माई लव इज लाइक ए रेड रेड रोज, ठीक है। तो बेसिकली जो रेड रोज है उसको किसके लिए यूज किया गया है? लव के लिए। रेड रोज क्या है, बेसिक सब्जेक्ट क्या है जिसके लिए रेड रोज को लाया जा रहा है? लव के लिए, बोलो है कि नहीं। तो जो भी किसी चीज में बेसिकली मेन मेन सब्जेक्ट होता है जिसको लेके आया हो गया होता है उसको हम कहते हैं टेनोर। तो लव यहां पर इस लाइन में मेन जो सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट होने की वजह से इसे टेनोर कहा गया। जो मुद्दा है वो लव है तो उसे टेनोर कहा गया, ठीक है। और जिस इस लव के लिए जो मेटाफर यूज किया गया है वो है रोज, बोलो है कि नहीं। यह है यूज्ड मेटाफर, पूरे लव को किसमें बदल दिया गया? रोज में, ठीक है। तो जब मेटाफर क्रिएट किया जाता है जिस जो मेटाफोरिकल टर्म होता है, ठीक है, वो है बेसिकली इसको हम मेटाफोरिकल टर्म कहेंगे। और ये यूज्ड मेटाफर होता है व्हीकल, इसका मतलब क्या है कि हमने रोज नामक वाहन को, व्हीकल को यूज किया लव नामक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो इसलिए जो सब्जेक्ट होता है, जो मेन मुद्दा होता है वो होता है टेनोर, और जो उसको यूज किया जाता है उसके लिए जिसके थ्रू हम उसे दिखाते हैं, जो व्हीकल बनता है उसको ले जाने वाला वाहन बनता है उसे कहते हैं व्हीकल। तो बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। इसका एक और एग्जाम्पल, जी सर, एक और एग्जाम्पल देते हैं। किस क्या कहा आपने, नहीं आया? ये नया था, मैंने कहा इस तरह से मेटाफर को हमने मैंने पढ़ा नहीं अभी तक। हाँ तो यही है, इसलिए मैं पूरा मेटाफर को पूरा ऑपरेट कर रहा हूँ। वो इसलिए ऑपरेट कर रहा हूँ कि हमारे साथ नेट के धुरंधर भी हैं, और दूसरा मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सीखो तो फिर पूरा डीपली सीखो, ठीक है। तो अब देखो फिर से, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आप कहेंगे कि कोई मेटाफर का एग्जाम्पल ले लो, कोई भी मेटाफर का बताओ। हर आईज, अब इसको मेटाफर क्रिएट करो इसके लिए, आर लाइट ऑफ माय लाइफ, हो गया क्रिएट? हो गया ना। अब देखो इसको लाइट बना दिया गया, तो मेन मुद्दा क्या है, कौन सा सब्जेक्ट लिया मैंने? आईज का, तो ये हो गया टेनोर। और इसको कन्वर्ट किया किसमें? लाइट। तो लाइट क्या हो गया? व्हीकल, जो इस सब्जेक्ट को आगे ले जा रहा है, जिसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो क्लियर हो गया क्या है टेनोर और क्या है व्हीकल मेटाफर के अंदर? यस सर, ठीक है। अब आते हैं हम मेटाफर को और आगे ले जा रहे हैं हम, ठीक है, ठीक है। और इस समय टाइम नहीं है कि उन्हें ढूंढा जाए।
अब है डेड मेटाफर, ये बहुत बार कंपटीशन में आया है और ये समझना बहुत आसान भी है। देखो हमारी सोसाइटी में हम अपनी आम भाषा में ही कितने मेटाफर क्रिएट करते हैं और हमें पता ही नहीं होता, ठीक है। जैसे अगर तुम्हें पता है कि अगर कोई किसी चीज से टकरा गया, रास्ते में कोई चीज पड़ी है वो देख नहीं रहा है, तुम घर में आमतौर पे घर में देखते हो, ये तो पूरा अंधा हो गया, कहते हैं अंधा है, ऐसे बोलते हैं, बोलो कहते हैं कि नहीं है? ये तो पूरा ही अंधा है, ठीक है। तो ये मेटाफर हम क्रिएट कर रहे हैं, जाने कितने मेटाफर हम ऐसे रोज क्रिएट करते हैं लाइफ में। लेकिन होता क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मेटाफर है, अपनी लाइफ या डेली लाइफ में, जो डेली लाइफ है उसमें हम कुछ ऐसे मेटाफर क्रिएट करते हैं और उन मेटाफर को क्रिएट करने के बाद इतना ज्यादा उनसे रिपीटेड रिपीटेडली बोलते हैं, ठीक है, और इतना ज्यादा ओवर यूज उनका करते हैं कि हमें जिंदगी में कभी ये एहसास ही नहीं होता कि वो मेटाफर है जो हम बोल रहे हैं। हमें लगता है ये जो भाषा है वही है, हम उसे मेटाफर की तरह समझते ही नहीं है, ठीक है, और जबकि वो हमेशा मेटाफर ही बोल रहे होते हैं हम, क्योंकि हम उसको रियलाइज ही नहीं करते कि वो मेटाफर है, वो इतना घुल जाता है हमारी जिंदगी में, इसीलिए उसको डेड मेटाफर बोलते हैं, क्योंकि वो रियलाइज ही नहीं होता। जैसे तुमने कभी सोचा है, हम बोलते हैं द लेग ऑफ द टेबल इज ब्रोकन, ये सुना है तुमने? अब बताओ टेबल का पांव मेटाफर नहीं है क्या? टेबल का कोई पांव होता है, लेग होता है, लेकिन ये लेग ऑफ द टेबल का एहसास हमें कभी नहीं हुआ होगा कि हम मेटाफर यूज कर रहे हैं, बोलो। सर तो क्या बोलते हैं तो फिर? इसीलिए ये जो लैग है ये डेड मेटाफर है, क्योंकि ये इतना ज्यादा यूज हुआ है कॉमन लैंग्वेज में कि इसका मेटाफर वाला जो एग्जिस्टेंस है वो किसी को रियलाइज ही नहीं हो रहा है यूज करते करते कि हम मेटाफर यूज कर रहे हैं, कोई पोएटिक हो ही नहीं रहा है। तुम बड़े के पास भी जाओगे और कहोगे इसकी टांग टूट गई है टेबल की, तो वो भी इसको वैसे ही लेगा बहुत आम तौर पे, पोएटिक बिल्कुल समझेगा ही नहीं, समझ रहे हो बात को? नहीं समझे? तो समझ गए, वैसे क्या थे मैं सर इसको क्या वैसे तो वैसे क्या बोलेंगे फिर वैसे लगभग वैसे मतलब डेफिनेशन में? नो 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 सर, सर, टेबल की हाँ लेग्स को क्या कहेंगे? वही तो मैं कह रहा हूं कि टेबल के जो वो हिस्सा है जिसमें वो स्टैंड करता है टेबल, उसको हमने आम भाषा में और हर भाषा में लेग ही बना दिया है हमेशा के लिए, उसका और कोई है ही नहीं वर्ड, ठीक है। लेकिन ये लेग एक्चुअली आदमी के लिए यूज होता है, पर हमने टेबल के लिए बना दिया है, अब वो बन गया है हमेशा के लिए और हमको एहसास ही नहीं होता कि ये मेटाफर है, तो ये डेड मेटाफर है। तो कोई भी चीज जो इतना कॉमन हो जाती है कि हमें उसके मेटाफर होने का एहसास ना हो, वो डेड मेटाफर है, समझ गए? व्हेन सम मेटाफर बिकम सो कॉमन दैट इट लूजेस इट्स एग्जिस्टेंस एज मेटाफर। सर ये फिर थोड़ा सा एपोस्ट्रॉफ उसके सर जैसे अगर हम हैंड्स के लिए क्लॉ अगर यूज करते हैं, क्लॉज हाँ, तो ये बिल्कुल भी या पॉज करके यूज करते हैं। वो बिल्कुल मेटाफर होगा, क्योंकि वो क्लॉज और पॉज तुम्हें पता है, लेकिन किसी ऐसी चीज के लिए जैसे तुम ये बताओ डेड पॉज, मेटाफर नहीं होगा, हाँ नहीं होगा डेड डेड मेटाफर मेटाफर, होगा या वो आम आम भाषा में तुम हैंड सिंपली को क्लॉज मेटाफर कहते होगा? ही नहीं हो, आम भाषा में तुम हाथ को हाँ क्लॉज नहीं कहते हो, ठीक है,
आम भाषा के और शब्द देखो कोई, लेकिन जैसे अगर हिंदी में हम उसे पंजा बोलते हैं। हाँ हिंदी की बात ही नहीं हो रही है ना, बोलते हैं। बात इंग्लिश की हो रही है। और पंजा यार कभी नहीं जैसे बोलते हाथ के लिए, पंजा जैसे ही कहोगे आदमी का ध्यान हाथ की बजाय पंजे में जाएगा, ये नहीं नहीं सर, हुआ। क्लॉक की आर्म्स, क्लॉक की आर्म्स जो बोलते हैं सर, हाँ क्लॉक की आर्म्स। हाँ अब तुम बिल्कुल सही आए, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, आर्म्स ऑफ द क्लॉक। ये भी हमने इतना यूज किया है कि हमें कभी लगता ही कि नहीं कि आर्म्स में हम मेटाफर लगा रहे हैं, घड़ी की सुइयों के लिए आर्म्स ऑफ द क्लॉक यूज करते हैं, आर्म्स इसमें डेड मेटाफर है। और एक और बताऊं, हार्ट ऑफ द सिटी, ये जो बीचों बीच कोई चीज होती है शहर में उसे हार्ट ऑफ द सिटी कहते हैं, ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा क्लॉक में यूज ही होता सर आवर हैंड भी होता है, है। हाँ हैंड भी आवर होता है, हैंड हाँ जो होता है क्लॉक में। हैंड और आर्म्स एक ही बात है, आर्म्स ऑफ द क्लॉक या हैंड्स ऑफ द क्लॉक, ठीक है। तो बेसिकली ये सब इतना कॉमनली यूज किए जाने लगे हैं कि इसको हर कोई समझ लेता है, ये पोएटिक होने का अपना प्रभाव छोड़ चुके हैं, मर चुका है इनका प्रभाव, तो डेड मेटाफर है। समझ गए बात को? आवाज नहीं आई रात को? यस सर, समझ गए सर, ठीक है ठीक सर है। समझ गए, हाँ ठीक सब है। पॉजिटिव। अब बेसिक बात यह है कि जो तुमने एक बात की थी, एक मेटाफर वो रह गया है, वो काफी लंबा टाइम लेगा, उसको कहते हैं कंसीट्स, जो मेटाफिजिकल पोएट लाते हैं, ठीक है, उसको हम बाद में बात करते हैं। अब ये क्लास तो आज की यहीं खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले गाना जरूर सुनेंगे, ठीक है, बोलो है इच्छा तुम्हारी सुनने की? यस सर, यस सर। चलो भाई, कविता कौन सा गाना सुना रही हो बताओ। आज तो मेरा गला बैठा हुआ है। अरे वो सबका होता है, जितना भी जैसा भी है सुना दो इनको 4-5 लाइन। अब मैंने तो जबरदस्त तारीफें कर दी तुम्हारी यहाँ, कौन सा गाँव सर बता इनसे ही पूछ लो। पंडित दो, देखो जो अपने आपका चॉइस का, फेवरेट है। अपनी चॉइस का गाओ, इनका क्या मतलब है। मैं तो पुराने ही गाती हूँ सर, या फिर हाँ तो ये कभी सब कौन से नए हैं, ये सब पुराने हो चुके, अब इनके दिन गए। मेरा सबसे फेवरेट वाला गाती हूँ फिर। हाँ ठीक है, चलो भाई सुनो, मैंने रिकॉर्डिंग बंद नहीं की इसीलिए ये हमेशा के लिए इसमें जज्ब हो जाएगा इस उसके लेक्चर के साथ। हाँ बोलो। हाथियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, मन में तुम ही मुस्काए, मन में तुम ही मुस्काए, एक मन था मेरे पास वो अब खोने लगा है, पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है। एक मन था मेरे पास वो अब खोने लगा है, पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है, एक तेरे भरोसे पे सब
सब बैठी हूँ भूल के, मन सोच के घबराए, यही सोच के घबराए। मैं जब से तेरे प्यार के रंगों में रंगी हूँ, जगते हुए सोई रही नींदों में जगी हूँ। मैं जब से तेरे प्यार के रंगों में रंगी हूँ, जगते हुए सोई रही नींदों में जगी हूँ। मेरे प्यार भरे सपने कहीं कोई ना छीन ले, मन सोच के घबराए, यही सोच के घबराए। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, मन में तुम ही मुस्काए, मन में तुम ही वाह मुस्काए। भैया वाह, बहुत बढ़िया। वाओ वेरी नाइस पहली मैम, वेरी नाइस, बहुत अच्छे आपकी तो पहली बार ये सॉन्ग बोले। इतना अच्छा लगा है सुन के। मैंने तुमसे जो कहा था, अगर बहुत गला खराब में लोग ऐसा गाएंगे तो भैया फिर पता नहीं कैसा गाएंगे सही में। ठीक अच्छा, एकदम ही बह गए सॉन्ग में। है।